न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। खबर रीवा से है, जहां 12 जून को रात के 2:35 पर फरियादी ब्रजेश बुनकर पिता रमेश बुनकर थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह और उसका दोस्त जितेन साहू, जो एक रूम में साथ में रहते हैं, दोनों सब्जी मंडी में MR कंपनी फल दुकान के सामने फल की दुकान लगाते हैं, जिसमें जितेन साहू भी काम करता है। 11 तारीख की शाम को सब्जी मंडी से फल की दुकान बंद करके रात में 9:30 पैदल अपने किराए के मकान में गड़रियान मोहल्ला पांडे टोला जा रहे थे। तभी रास्ते में तुलसी चौराहा के पास पहुंचे, तभी 4 की संख्या में लड़के खड़े थे। वे लड़के दोनों से खर्च के लिए पैसे मांगे, पैसे देने से मना किया तो वह जबरन उनकी और दोस्त की तलाशी लेने लगे। इसका विरोध करने पर आरोपियों द्वारा चाकू निकालकर जितेन साहू के पेट में मार दिए और वह वहीं गिर गया। जैसे ही दोस्त जमीन में गिर गया तो उसकी जेब में रखे 97,000 रुपए निकाल कर भाग निकले। हल्ला गुहार करने पर आसपास के लोगों की मदद से घायल को SGMH अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह परिहार द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात बदमाशों को पकड़ने हेतु थाना क्षेत्र के सभी मुखबिरों को एक्टिव किया गया एवं पुलिस की 3 टीमें गठित की गईं, जिसमें टीम क्रमांक 1 में स्वयं थाना प्रभारी के साथ सहायक उप निरीक्षक नीरज सिंह, राजकुमार तिवारी, आरक्षक सुधीर शुक्ला, सतीश गौतम, अश्वनी सिंह, प्रीतेश गौतम, टीम क्रमांक 2 में उप निरीक्षक प्रवीण उपाध्याय, सौरभ सोनी, महेंद्र त्रिपाठी, राजेश सिंह, रवि पांडे, शंकर दत्त जायसवाल एवं टीम क्रमांक 3 में उप निरीक्षक RP प्रजापति, भैयामन सिंह, बलराम पासी, मनोज द्विवेदी, रामदास पटेल, तीनों टीमें थाने से रवाना होकर थाना के विभिन्न क्षेत्रों गुड़ चौराहा, नया तालाब, रानी तालाब, बिछिया, निपनिया, घोघर, बड़ी पुल, कटरा नगरिया, चिकन टोला, पचमठा में अज्ञात आरोपियों की पता तलाश की गई, जो नहीं मिले। घटनास्थल के आसपास लगे सभी CCTV कैमरों में देखा गया तो जिसमें कुछ लड़के रात्रि में भागते दिखे, जिनका फोटो साफ सुथरा न होने से आरोपियों की पहचान नहीं की जा सकी। घटना दिनांक की सुबह मुखबिर द्वारा पता चला कि नगरिया टोला के कुछ लड़के घटना के संबंध में आपस में बातचीत कर रहे थे, जिस पर से घटना के संदेहियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें मुन्नू पासी पिता सरुण पासी उम्र 19 साल निवासी नगरिया, सागर चौधरी पिता सोहन चौधरी उम्र 21 साल निवासी नगरिया रीवा के साथ 6 और लड़कों के साथ घटना करना स्वीकार किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में धारा 395 बढ़ाई गई। नाबालिग आरोपी के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू और लूटे गए पैसे सभी आरोपियों ने आपस में बांट लिए थे, जो सभी से सभी के हिस्से की नकदी बरामद किया गया एवं घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। थाना सिटी कोतवाली पुलिस की 3 टीमों द्वारा वक्त घटना दिनांक से लगातार प्रयास कर अज्ञात आरोपियों की पतारसी की जाकर आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण के 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं एवं अन्य 2 आरोपियों के गिरफ्तार होना शेष है, जिनकी पता तलाश जारी है।